Kitties Stories Network। ये पृथ्वी पर 10 सबसे भारी भूमि स्तनधारियों की उल्टी गिनती है। ये जीवित 10 सबसे भारी स्तनधारियों की सूची नहीं है, वे सभी वेल हैं, लेकिन ये सभी 10 जानवर चलने, दौड़ने या कूदने वाले किसी भी अन्य जानवर की तुलना में अधिक दूर हैं। नंबर 10, अमेरिकन बाइसन। अमेरिकन बाइसन, जिसे अक्सर भैंस भी कहा जाता है, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी खुर वाले स्तनपाई की एक बड़ी प्रजाति है। ऐतिहासिक रूप से वे अलास्का से मेक्सिको तक, अटलांटिक से लेकर लगभग प्रशांत महासागर तक थे, लेकिन 1800 के दशक में अत्यधिक शिकार के कारण उनकी संख्या 1000 से भी कम हो गई। सौभाग्य से संरक्षण प्रयासों से उनकी संख्या लगभग 5 लाख तक बढ़ गई है। अमेरिकन बाइसन का वजन 2200 पाउंड या 1000 किलोग्राम तक हो सकता है। नंबर 9, जल भैंस। जल भैंस एक पालतू गोजातीय है जो मूल रूप से एशिया का मूल निवासी है, अब एशिया, दक्षिण अमेरिका और दक्षिणी यूरोप में मनुष्यों द्वारा पाला जाता है। उन्हें जल भैंस कहा जाता है क्योंकि वे पानी या कीचड़ में लोटना पसंद करते हैं, साथ ही वहां पाए जाने वाले जलीय पौधों को खाना भी पसंद करते हैं। जल भैंसों का वजन 2600 पाउंड या 1200 किलोग्राम तक हो सकता है। नंबर 8, काला गैंडा। मध्य और पूर्वी अफ्रीका का मूल निवासी काला गैंडा अपने सींग के लिए अवैध शिकार के कारण गंभीर रूप से खतरे में है। वे शाकाहारी हैं, पत्तेदार पौधों, शाखाओं, झाड़ियों और फलों को ब्राउज करते हैं, और अपने बड़े आकार के बावजूद वे दौड़ते समय 34 मील या 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति से चल सकते हैं। काले गैंडे का वजन 3100 पाउंड या 1400 किलोग्राम तक हो सकता है। अंक 7, गौर। विश्व का सबसे बड़ा गोजातीय गौर दक्षिण पूर्व एशिया का मूल निवासी है। गौर जंगली मवेशियों की सबसे ऊंची प्रजाति है, जिसका कारण आंशिक रूप से उनकी पीठ पर विशिष्ट रिज है। नर और मादा दोनों के सींग बड़े घुमावदार होते हैं। गौर का वजन 3300 पाउंड या 1500 किलोग्राम तक हो सकता है। नंबर 6, जिराफ। दुनिया का सबसे लंबा जीवित जमीनी जानवर, जिराफ 18 फीट या 5.5 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकता है। वे शाकाहारी हैं, अधिकतर ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाते हैं जिन तक अन्य जानवर नहीं पहुंच सकते। जिराफ की 9 अलग अलग उप प्रजातियां हैं, जिन्हें उनके स्पॉट पैटर्न में अंतर से पहचाना जा सकता है। जिराफ का वजन 4250 पाउंड या 1900 किलोग्राम तक हो सकता है। नंबर 5, वारस। वारस समुद्री स्तनधारी है, जिसका अर्थ है कि वे जीवित रहने के लिए समुद्र पर निर्भर हैं। उन्हें उनके दांतों से पहचानना आसान है, जिसका उपयोग वे खुद को ध्रुवीय भालू और ओरकास से बचाने के लिए करते हैं, साथ ही खुद को पानी से बाहर और बर्फ पर खींचने में मदद करने के लिए भी करते हैं। वारस में ब्लबर या वसा की एक मोटी परत होती है, जो उन्हें बर्फीले पानी में गर्म रहने में मदद करती है जहाँ वे रहते हैं। एक वारस का वजन 4400 पाउंड या 2000 किलोग्राम तक हो सकता है। नंबर 4, दरियाई घोड़ा। इस जानवर के नाम का अर्थ है नदी का घोड़ा। दरियाई घोड़े अर्ध जलीय होते हैं, भले ही वे जमीन पर चरते हैं, फिर भी वे दिन का ज्यादातर समय कीचड़ या पानी में ठिठुरते हुए बिताते हैं। वे मोटे और प्यारे लग सकते हैं, लेकिन दरियाई घोड़े अफ्रीका के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक है। दरियाई घोड़े का वजन 4400 पाउंड या 2000 किलोग्राम से अधिक हो सकता है। नंबर 3, सफेद गैंडा। गैंडे की सभी प्रजातियों में सबसे बड़ा सफेद गैंडा मध्य और दक्षिणी अफ्रीका का मूल निवासी है। सफेद गैंडे के दो सींग होते हैं, जो केराटिन से बने होते हैं, वही सामग्री जिससे मानव बाल और नाखून बने होते हैं, और अन्य गैंडा प्रजातियों के विपरीत वे लगभग विशेष रूप से घास खाते हैं। सफेद गैंडा 7900 पाउंड या 3600 किलोग्राम से अधिक वजन तक पहुंच सकता है। नंबर 2, भारतीय हाथी एशिया का मूल निवासी। भारतीय हाथी को उसके छोटे कानों और इस तथ्य से पहचाना जा सकता है कि आमतौर पर केवल नर के ही दांत होते हैं। वे हर दिन 330 पाउंड या 150 किलोग्राम पौधे खा सकते हैं, घास से लेकर फूल और बांस तक कुछ भी। अधिकांश हाथी प्रजातियों की तरह भारतीय हाथी भी लुप्तप्राय है। भारतीय हाथी 11000 पाउंड या 5000 किलोग्राम तक वजन हासिल कर सकते हैं। नंबर 1, अफ्रीकी हाथी। अफ्रीका के ज्यादातर हिस्सों में पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीवित जमीनी जानवर अफ्रीकी हाथी एक शाकाहारी जानवर है, जो हर दिन 500 पाउंड या 225 किलोग्राम तक बड़ी मात्रा में पौधों और वनस्पतियों का सेवन करता है। एशियाई हाथियों के विपरीत नर और मादा दोनों अफ्रीकी हाथियों के दांत होते हैं।
उनके कान भी छोटे भारतीय हाथियों के कानों की तुलना में बहुत बड़े होते हैं, जिससे उनके विशाल शरीर से अधिक गर्मी निकल पाती है। अफ्रीकी हाथी आसानी से 12,000 पाउंड या 5,400 किलोग्राम वजन तक पहुंच सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको जमीन पर सबसे भारी स्तनधारियों के बारे में सीखने में मजा आया होगा। अधिक दिलचस्प वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।